गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 जून है आज और ऑफिस की तैयारी हो चुकी है। अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मैं और लेट उठा थोड़ा सा आज, 8:30 बजे उठा। उसके बाद रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट किया, तो तकरीबन 10:15 हो रहे हैं। तो अब ऑफिस चलते हैं। बज रहे हैं 4:30 और अब ऑफिस से निकल पाया हूँ। मुझे पीतमपुरा जाना है और मंगोलपुरी जाना है, तो बस जस्ट अभी अभी निकला हूँ। ऑफिस पहुँच जाओ ना तो फिर बहुत सारे काम होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ स्टाफ, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी अकाउंटेंट आ जाएगा, कभी प्रोडक्शन वाले, कभी कुछ क्लाइंट्स कॉल करते हैं कंटिन्यू, तो वो सब करते करते ना आपका मतलब कोई श्योरिटी ही नहीं होता कि जो आप टाइम और जो आप सुबह आपने सोचा है, प्लानिंग की है काम की, वैसा ही हो जाएगा। इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कभी भी। और जब मुझे किसी मीटिंग में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑफिस ही नहीं आता हूँ, मैं घर से सीधा निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार ऑफिस पहुँच गए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना, और क्लाइंट को वेट करा नहीं सकते जैसे कि आपको पता ही है। इसीलिए मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं ऑफिस ही नहीं आता, मैं सीधा ही निकल जाता हूँ मीटिंग्स के लिए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, एक मशीन आ रही है मेरी, आपको गैस करना है कौन सी मशीन। आज कॉल आया है कि कुछ दिनों में वो आपके पास होगी, तो आप गैस कीजिए, बताइए। I'm very excited about that। ये एक ऐसा सपना था जो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, क्योंकि अब पूरा होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ बने रहें और आप मेरे सपने को सच होता हुआ देखें। और दोस्तों वही वाली बात कि सपने देखने चाहिए, सपने सच होते हैं। मैंने सपने हमेशा देखे हैं, आज भी देखता हूँ, कल भी देखूँगा, और ख्वाहिशें रखता हूँ उनको पूरा करने के लिए मेहनत करता हूँ। और वो जो ऊपर बैठे हैं ना साईं बाबा, वो पूरा कराते हैं, वो सब पूरा कराते हैं। बहुत कुछ दिया है मुझे, आगे आगे आपको वीडियोस में एक एक करके मैं आपको सब चीज़ों से मिलवाऊंगा, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचूँगा। बहुत बार बहुत मुश्किलों का सामना किया, बहुत दिक्कतें हुई, कई बार ज़ीरो हुआ, फाइनली आज यहाँ हूँ तो अच्छा लगता है। उसके अलावा दोस्तों मैं तो यही कहूँगा हमेशा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाई आती है जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती,
लेकिन जो उस जगह पे डटा रहता है, खड़ा रहता है, उस प्रॉब्लम से लड़ता है, तो वो अंत में जीत हासिल कर ही लेता है। परेशानियों का दौर भी है तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो मैं तो यही कहूँगा, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, कई बार काफ़ी सारी परेशानियाँ आई, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, सब मस्त हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं, सब इंजॉय करते हैं लाइफ को। मैं सबसे आपको धीरे धीरे करके मिलाऊंगा, आप बस साथ बने रहिए। और मैं चाहता हूँ जो भी मेरे दोस्त हैं जो वीडियोस को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं, तो प्लीज़ दबाएं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो आप प्लीज़ दबाएं। इससे क्या होता है ना, हौसला मिलता है कि हाँ यार मेरे साथ कोई है, और उस हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। कितनी भी बड़ी परेशानी आती है ना, और कोई अगर आपके कंधे पर हाथ रख के बोल दे कि मैं हूँ, दोस्त बोल दे, घर वाले बोल दें, पड़ोसी बोल दें, आपके क्लाइंट्स बोल दे, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही चार्ज कर देती है उसकी ये बात कि हाँ मैं हूँ। आप जो परेशानियाँ हैं उनको भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर लगता है कि अब हम मार्केट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे अभी दो तीन काम पेंडिंग है, तो मुझे वो काम करने हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम मार्केट नहीं जा पाएंगे और कल करते हैं काम। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, टॉपी टॉप गियर से अमित शर्मा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।